नमस्कार। प्रस्तुत है मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की 14th वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है, इफ 3 raised to the power x plus y इज इक्वल टू 81 एंड 81 raised to the power x minus y इज इक्वल टू 3 raised to the power 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि 3 का घात x plus y बराबर 81 तथा 81 का घात x minus y बराबर 3 का घात 8, तो x और y का मान ज्ञात करो। और ये ऑप्शन दिया हुआ है 3 1 1 3 -1 3 -1 -3। तो आइए चलते हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 3 raised to the power x plus y इक्वल टू 81। ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग रीराइट करते हैं इस तरह से, 3 raised to the power x plus y इक्वल टू 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 raised to the power 4। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक्सपोनेंट का जो लॉ है उसके अनुसार ये इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट। हम बेस देख रहे हैं सेम है, जब बेस सेम है तो इसका एक्सपोनेंट इक्वल होगा। दैट इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए अब दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है उसको लेते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है जो गिवन है 81 raised to the power x minus y इक्वल टू 3 raised to the power 8, और यहां पर हम 81 को लिख सकते हैं 3 raised to the power 4, और इन सब के ऊपर आ जा रहा है x minus y इक्वल टू 3 raised to the power 8। अब एक लॉ हम देख रहे हैं, रिकॉल करते हैं, a raised to the power m, और पूरे पर यहां पर n इक्वल टू ये हो जाता है a raised to the power m n। ये जो m और n है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग यहां पर भी यही करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 4 इंटू एक्स माइनस y इक्वल टू 3 raised to the power 8। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, जब बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी इक्वल होगा। दैट इंप्लाइज 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। दैट इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये यहां पर हो जाएगा 2। ये हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, तो ये ऐड करके देखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसको ऐड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है, ये कैंसिल हो गया,
और ये x और x ये हो गया 2x, और इधर 4 एंड 2 ऐड हुआ तो ये हो गया 6. Hence, x is equal to 6y 2 is equal to 3. तो x का वैल्यू हमको तो मिल गया है, अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ y का वैल्यू निकालना है. तो इस वैल्यू को हम x का इस वैल्यू को हम कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख सकते हैं, है ना. तो हम 1 में रखते हैं. चलिए putting this value of x in equation 1. तो ये जब हम रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ये था x plus y is equal to 4, और यहां हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3. तो ये 3 plus y is equal to 4, और y is equal to 4 minus 3 is equal to 1. तो यहां हमारा देखिए x का वैल्यू आ गया है 3 और y का वैल्यू आ गया है 1. तो ये कौन सा आंसर हमारा सही है, आप ऑप्शन को देखें, ये फर्स्ट ए ऑप्शन 3 एंड 1. देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं लेकिन ट्रिकी है. अगर आप एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उन्हें आप याद रखेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा.